بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي العز والعلا والصلاه والسلام على رسوله المجتبى وعلى اله واصحابه اهل العلم والتقى وبعد سامعين محترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته आज की नशिस्त में हम सबक नंबर बारह पढ़ेंगे जिसमें क़ुरानी रूफ़ मद्द यानी खींच कर पढ़े जाने वाले हरूफ़ की अदयगी के बारे में गुफ्तू की जाएगी तआला। शुरान मजीद में जज्म वाले हरूफ़ चार किस्म के होते हैं पहली किस्म हरूफ कलकला इनको हिला कर पढ़ा जाता है दूसरी किस्म हरूफ मद्दा इनको थोड़ा सा खींच कर पढ़ा जाता है तीसरी किस्म हरूफ लीन इनको नरमी के साथ बग़ैर खींचे पड़ा जाता है चौथी किस्म बाकी हरूफ़ इनको मजबूती और जमाओं से बगैर झटका दिए पढ़ा जाता है आइए हरफ मज़ूम की दूसरी किस्म हरूफ मद्दा की अदायगी की पहचान करें और उसके मुताबिक खूब मश करें कुरान मजीद में जज्म वाले हरूफ़ चार किस्म के होते हैं पहली किस्म हरूफ कलकला इनको हिलाकर हिला कर पढ़ा जाता है दूसरी किस्म हरूफ़ मद्दा इनको थोड़ा सा खींच कर पढ़ा जाता है तीसरी किस्म हरूफ लीन इनको नरमी के साथ बग़ैर खींचे पढ़ा जाता है चौथी किस्म बाकी हरूफ इनको मजबूती और जमाओ से बग़ैर झटका दिए पड़ा जाता है आइए हरफ मज़जूम की दूसरी किस्म हरूफ मद्दा की अदयगी की पहचान करें और उसके मुताबिक खूब मश करें मद का माना है खींचना लंबा करना दराज करना और जिन हरूफ़ की अदायगी में ये कैफ़ियत पाई जाती है इन्हें हरूफ़ मद्दा कहते हैं और वो तीन हरूफ़ हैं और वो ये हैं नंबर एक अलिफ ख़ाली जिससे पहले ज़बर हो जैसे बाबर अलिफ बाबर अलिफ ता, ता ज़बर अलिफ था। ता, ता नंबर दो या जजम वाली जिससे पहले जेर हो जैसे बा ज़ेरिया बी ता ज़ेरिया ती था ज़ेरिया सी नंबर तीन जज़म वा वाली जिससे पहले पेश हो जैसे बापेशवा बू ता पेशवा तू था पेशवा सु हरूफ मद्दा में हरकत वाले हरफ को जज़म वाले हरफ के साथ फ़ौर नहीं मिलाया जाता बल्कि हरकत वाले हरफ की हरकत को थोड़ा सा खींच कर पड़ा जाता है मसलन बा बी बू रूफ मद्दा की आवाज़ का अंदाज़ा ये है कि अल्फ़ मद्दा की आवाज़ ज़बर से दुगनी या मद्दा की आवाज़ जेर से दुगनी और मद्दा की आवाज़ पेश से दुगनी होती है जो कि एक अल्फ़ के बराबर होती है रूफ मद्दा की लंबाई एक अल्फ़ को यूं समझें कि ज़बर ज़ेर और पेश की अदायगी में जितना वक्त सर्फ होता है उसे एक हरकत कहते हैं जैसे बा बी, बु। और हरूफ़ मद्दा की अदायगी में इससे दो गुना वक्त सर्फ़ होता है इसको दो हरकत ये एक अलिफ़ कहते हैं जैसे बा बी बू एक अलफ से कम ये ज्यादा लंबा करते हुए पढ़ना गलत है और याद रखें कि जब हरूफ मद्दा नून व मीम के बाद हों तो इनको पढ़ते वक्त नाक में आवाज ना ले जाए लिहाजा ना नी नू और मा मी मुँ को इस तरह नाक में पढ़ना ना नी नू और मा, मी मू और तरीका है आइए हरूफ मद्दा में से हर एक की सही अदायगी की पहचान करें अलफ मद्दा की अदायगी अलिफ़ मद्दा होंटों को ऊपर की तरफ खोल कर बकदरे एक अलिफ खींच कर पढ़ा जाता है और इसकी आवाज़ का रुख ऊपर की तरफ होता है जैसे बा ता था किराम अल्फे मद्दा और खड़ी ज़बर वाले हरफ की आवाज़ एक जैसी होती है मसलन बा जबर अलिफ बा और बा खड़ी जबर याद रखें कि अलिफ में आवाज को खूब उठाना और मुंह को सख्ती से खोलना मतलन बा, ता, था, या आवाज़ को ज्यादा गिराना और मुंह को झुकाना मसलन ब ये दोनों तरीके गलरत हैं आइए मश कीजिए बा जबर अलिफ बा ता जबर अलिफ ता। ता जबर अलिफ सा با تا سا با تا سا زا تا خوف كان قال تاب قال بارك عاقب खौब शाम के राम उर्दू में अल्फ मद्दा बिलूम कदर मोटी आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है जैसे मॉल और हॉल का अलिफ़ लेकिन क़ुरान मजीद में इसके पढ़ने का तरीका ये है कि अगर अलिफ़ से पहले मोटा हरफ हो तो अल्फ़ भी मोटा होगा जैसे अ और अगर पहले बरक हरफ हो तो अल्फ़ भी बरक होगा जैसे ता का मोटे अल्फ की मश कीजिए हो こそそぼぼぼ

बरीक करके पढ़ना ख्वाफ क्वाब क्वाल गलत है बरीक अल्फ की मश कीजिए हा।, हा 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 सा さあ 啊！哒！哒！哒！嘎！嘎！嘎！ زا 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 يا 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 لهذا इस तरह अल्फ को मोटा करके पढ़ना बारिकी गलत है शामी ने कुर अल्फ मद्दा की सही अदायगी दोबारा समात फरमाइए बा जबर अलिफ जबर अलिफ ता जबर अलिफ सा बा تا سا با سا ذا خوف كان قال تاب طال بارك عاقب خاطب يا مدكي أدقي या मद्दा होंटों को नीचे की तरफ खोल कर बकदरे एक अलिफ खेच कर पड़ा जाता है और इसकी आवाज का रुख नीचे की तरफ होता है जैसे बी ती सी सामिने कराम या मद्दा और खड़ी जेर वाले हरफ की आवाज एक जैसी होती है मसल बाज एरिया बी और खड़ी जेर बी तो याद रखें कि यह मद्दा की अदायगी में हमेशा बारीकी और पस्ती पाई जाती है खामोटे हरफ के बाद हो मतलन, सी ती वी आइए मश कीजिए एरिया बी Taderya T Taderya C B T C B T C أخي. قولي. حيلة. ديني. قيل. سيقا.

जमील लकीर की या मरूफ़ है जबकि दरवेश, जेल लेन देन की या मशहूल है लेकिन क़ुरान मजीद में मद्दा की आवाज़ जमील की या की तरह होती है ये मद्दा मारूफ़ की मश कीजिए दी सी, सी, री, ती मी लिहाजा या को ऐसे मजहूल पढ़ना दे से गे गलत है शामी ने क्राम मद्दा की सही अदायगी दोबारा समाज फरमाइए बाज एरिया बी ताज एरिया ती ताज एरिया सी बी ती सी बी ती सी أخي كلي حيل ديني قيل سيق محيط يطير ماكثين واو مدة كي ادائیگی ايه؟ واو مدة ہونٹوں کو گول ना तमाम मिलाकर बकदर एक अलिफ खींच कर पड़ा जाता है और इसकी आवाज़ का रुख सामने की तरफ होता है जैसे बू तू सू सामिने कराम वावे मद्दा और उल्टी पेश वाले हरफ की आवाज़ एक जैसी होती है मतलन बा पेशवा बू और बा उल्टा पेश बू और याद रखें कि ववमद की अदायगी में होंठों को आगे की जानब बढ़ाएं और इसी तरह होंटों की गुलाई को कम रखें खसूस जब मोटे हरफ के बाद हो जैसे सू, पू, वू। ताके मद्दा को मोटा होने से बचाया जा सके आइए मश कीजिए बा पेशवा बू ता पेशवा तू था पेशवा सू बू तू

मू तूम लूमु नू दू वावे मद्दा। अगर अगरचि उर्दू में मारूफ और मजहूल दोनों तरफ पड़ी जाती है जैसे नूर कवाओ रूफ़ है जबकि मोर ज़ोर कवाओ मजहूल है लेकिन क़ुरान मजीद में व मद्दा की आवाज़ नूर की वाव की तरह होती है वाव मद्दा मारूफ़ की मश कीजिए तू, लू मू, नू व लिहाजा वाऊ को ऐसे मजहूल पढ़ना तो लो मो गत है शाम किराम वावे मद्दा की सही अदायगी दोबारा सम फरमाइए बा पेशवा बू ता पेशवा तू, सा पेशवा बू तरू मूँ तु उमू लोमो नू दू शाम कराम ये थी चंद गुजारशातुरान हरूफ़ मद्द यानि खेच कर पड़े जाने वाले हरूफ़ की अदायगी के हवाले से और अब सूरतुल्फील की جائے گی تو يا سماعات فرمايي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم الله رب العزت کی بارگاہ میں अपनी मुक़दस किताब की तिलावत उस अंदाज से करने की तोफ़ी का नायद फरमाए जो हमारे लिए अजीम अजरसवाब का बायस बने आमीन व सल्ला रसूलिन महम्मद अली वबीही अजमाइन व अखरुदावानदल रबालमीन والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته